गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इंस्टाग्राम पर किसी भी स्टोरी के टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं सोनू और आप हो ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो चलो वीडियो शुरू करें। इंस्टाग्राम पर स्टोरी के टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना होगा। एंड उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन होने के बाद गाइज आपके सामने भी कुछ इस तरीके से जो है स्टोरीज आ जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं इस स्टोरी को जो है ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइज आप देख सकते हो इस स्टोरी पर एक टैक्स लिखा हुआ है जो मुझे जो है कॉपी करना है। तो यहाँ पर जो है मुझे इंस्टाग्राम कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराता इंस्टाग्राम स्टोरी टैक्स को कॉपी करने के लिए। गाइज आप देख सकते हो मैं इस थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता स्टोरी टेक्स्ट कॉपी करने का। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है किसी भी इंस्टाग्राम स्टोरी के टेक्स्ट को इजीली कॉपी कर सकते हो। तो गाइज आपको जो है सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेना होगा उस स्टोरी का जिसका टेक्स्ट आपको कॉपी करना है। तो गाइज मैं इस स्टोरी का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज आपको भी इसी तरीके से जो है स्टेप फॉलो कर लेना है और जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना है उस स्टोरी का जिसका टेक्स्ट आपको कॉपी करना है। एंड उसके बाद गाइज आपको जो है इंस्टाग्राम से बैक हो जाना है। एंड उसके बाद जो है आपको अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाना है। एंड गैलरी में आने के बाद गाइज आप देख सकते हो ये वही स्क्रीनशॉट है जो मैंने अभी अभी एक क्लिक किया है। और यहाँ पर जो है मुझे जितना टेक्स्ट कॉपी करना है मुझे उसको जो है क्रॉप करना होगा। गाइज आपको भी स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लेना है, जितना टेक्स्ट आपको चाहिए उतना जो है आपको जो है क्रॉप कर लेना है। गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से जो है क्रॉप कर लेना है। आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है क्रॉप कर लेना है। गाइज मुझे जो है इतना टेक्स्ट कॉपी करना है। तो क्रॉप करने के बाद इसको जो है मैं राइट क्लिक करके सेव कर देता हूँ। गाइज आपको भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। गाइज मैंने टेक्स्ट को क्रॉप कर लिया लेकिन मैं यहाँ से जो है इस टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ये जो टेक्स्ट है एक इमेज में लिखा हुआ है। एंड गाइज आप जानते हो इमेज में से टेक्स्ट कॉपी नहीं किया जा सकता। एंड आप देख सकते हो इस इमेज पर लिखा हुआ है 9 थिंग्स आई विश आई न्यू सूनर। एंड मुझे जो है इसको कॉपी करना है टेक्स्ट में। तो क्रॉप करने के बाद आपको जो है मोबाइल की गैलरी से बैक हो जाना है। एंड उसके बाद जो है अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का नाम टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा onlineocr.net। गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हो onlineocr.net। एंड इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, onlineocr.net। गाइज इतना टाइप करके जो है आपको सर्च कर देना है। एंड सर्च करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको जो है तीन स्टेप मिल जाते हैं। फर्स्ट स्टेप अपलोड फाइल, एंड सेकंड स्टेप में आपको लैंग्वेज ऑप्शन मिल जाता है, एंड थर्ड स्टेप में आपको कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक कर लेना है। एंड सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक फाइल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड गाइज आपके फ़ोन में जो है एक गैलरी का ऑप्शन भी आ सकता है। एंड आपके सामने अगर गैलरी का ऑप्शन आ रहा है तो आपको जो है गैलरी पर क्लिक कर लेना है, अदरवाइज आपको जो है फाइल पर क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपने क्रॉप किया था, जो टेक्स्ट आपने क्रॉप किया था उसको जो है यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। गाइज आप देख सकते हो ये वही स्क्रीनशॉट है जो मैंने क्रॉप किया था, इसको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। एंड चूज़ करने के बाद जो है ये फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट हो जाएगा। एंड गाइज सेकेंड स्टेप में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आपको जो है इसको इंग्लिश ही रहने देना है। एंड अगले बॉक्स में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट प्लान TXT पर क्लिक करना होगा। एंड थर्ड स्टेप में आपको कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको जो है सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइज आप देख सकते हो इस बॉक्स में वो टेक्स्ट आ चुका है जो आपको कॉपी करना था। गाइज आप देख सकते हो 9 थिंग्स आई विश आई न्यू सूनर, ये वही टेक्स्ट है जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा हुआ था। अब यहाँ से आप इस टेक्स्ट को जो है कॉपी कर सकते हो इजीली। आपको जो है इस टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कट का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी का और पेस्ट का। आपको सिंपली यहाँ से जो है कॉपी वाले पर क्लिक कर लेना है या फिर कट पर। मैं यहाँ से जो है कॉपी पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं आपको इस टेक्स्ट को जो है पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। मैं इस नोट्स पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर एक प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइज मैं जो है इसको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। गाइज आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है पेस्ट हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हो कितना आसान तरीका है इंस्टाग्राम पर किसी भी स्टोरी के टेक्स्ट को कॉपी करने का। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।